दोस्तों ये सोलांग वैली का नज़ारा है। बारिश बहुत तेज़ हो रही है। ये वैली सब तरफ से बादलों से घिरी हुई, लगातार बारिश हो रही है। हम लोग अभी गए थे रोहतांग पास में भी लगातार बारिश हुई। उस पास को हमने देखा, वहाँ पर जो कुछ था उसका पूरा मज़ा लिया, लेकिन बारिश बहुत तेज़ी से हो रही है। ये बारिश सोलांग वैली को भी घेरे हुए है, पूरे मनाली में, पूरे शिमला में हमको लगता है बारिश हो रही है। और इस सुंदर वैली को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ये घाटी है, ये खूबसूरत पेड़ लगे हुए हैं, खूबसूरती का यह नज़ारा। आगे जैसे जैसे हम जा रहे हैं बारिश हमको मिलती जा रही है। देखिए सोलांग घाटी में बने हुए घरों का नज़ारा। ये सोलांग विलेज है, इसी विलेज के नाम पर सोलांग वैली इसका नाम पड़ा है। ये ग्रीनरी, ये खूबसूरती, ये लगातार बारिश हो रही है इसलिए धुंधलापन हो गया है। लेकिन ये देखिए घाटी को आप देख सकते हैं, कितने टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं। ये बारिश की वजह से थोड़ी संख्या कम हो गई है लोगों की, लोग इधर उधर छुप गए हैं, लेकिन लगातार कंटिन्यूसली बारिश होती जा रही है। ये खूबसूरत घाटी सोलांग घाटी, ये आँख बंधे हुए हैं जिस पर लोग फोटोग्राफी करवा रहे हैं। ये सैलानियों की गाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ी गाड़ियाँ खड़ी दिख रही हैं आपको। गाड़ियों से भी घूमते हैं, मज़ा लेते हैं, इंजॉय करते हैं। ये आखिरी वैली, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैली आगे बढ़ती जा रही है, खूबसूरती इसकी हमको दिख रही है। ये देखिए सोलांग वैली में जंगल, देवदार के बड़े बड़े पेड़, गिरता हुआ पानी, बर्फ का, ये सारे नज़ारे सोलांग वैली को एक अलग सुंदरता प्रदान करते हैं। ये देखिए ये पेड़ों की खूबसूरती, ये है सोलांग वैली, इसे देखने के लिए पूरे देश के लोग आते हैं। आज बारिश की मौसम की वजह से थोड़ा सा हम इतना सुंदर एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। ये सोलांग की घाटी में बने हुए खूबसूरत मकान, ये देखिए बर्फ का पानी बारिश के पानी में मिलता हुआ ब्यास नदी में आता। ये खूबसूरत पुल, मेटली पुल बना हुआ है बैलगी के बगल में। ये पूरा पुल मेटल का, लोहे का बना हुआ पुल है, इसकी भी खूबसूरती लोग देखते हैं। पुल के उस पार भी एक वैली फैली हुई है खूबसूरत, दूर तक सोलांग वैली का खूबसूरत नज़ारा। वैली से निकलते हुए कुछ घर जो वैली से जुड़े हैं, सोलांग वैली का ही एरिया है। हर जगह खूबसूरती है, यहाँ पर छोटा सा मकान भी है वहाँ भी खूबसूरती है, वो भी घाटियों से सजा हुआ मकान है। पहाड़ी है वो भी खूबसूरत लग रही है, रोड तो खूबसूरत बनी ही है यहाँ पर, यहाँ जो मकान बने हैं वो भी अच्छे लग रहे हैं। पहली का एक नज़ारा देखिए, ये उछलता हुआ पानी, ये ऊपर पहाड़ फैला हुआ, नीचे बहता हुआ पानी, क्या खूबसूरती है। ये जितना हम देख पा रहे हैं इधर की, देखिए वैली धुंधला ज़रूर है बारिश की वजह से, लेकिन इसकी सुंदरता अगर आप पहचानना चाहेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी सुंदर वैली है। ये देखिए यहाँ से वैली का नज़ारा देखिए, क्या खूबसूरत है।